सोनिया और आज आपके फेवरेट शो रेनबो द कलर्स ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस में आपके लिए लाई हूँ ज्ञान का भंडार। तो आज पहले सेगमेंट में हम मिलेंगे एक क्रिएटिव इलस्ट्रेटर जो कि हमें कुछ स्केचिंग दिखाएंगे। तो मिलते हैं। हेलो अर्पित। हेलो सोनिया। तो आज आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? आज मैं बच्चों को फेशियल फीचर्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि कैसे इजीली फेशियल फीचर ड्रॉ कर सकें। अच्छा, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है अर्पित? इसके लिए मैं एक इरेजर, एक पेंसिल और कुछ पेपर्स की जरूरत होती है। ओह, बहुत ही आसान है। तो बच्चे इरेजर, पेंसिल और चार्ट पेपर के साथ रेडी रहिएगा टीवी स्क्रीन के सामने। कम ऑन, टेल अस अर्पित। सबसे पहले मैं आपको नोज बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए हम तीन ओवल बना लेते हैं। अच्छा, 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक लाइन लेफ्ट ओवल से लेते हैं और उसको ले जाके नीचे से बेंड कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरी लाइन जो कि दूसरे ओवल से के नीचे से आएगी उसको लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं तीसरे ओवल। अच्छा, सो ये ओवल्स बनाने पड़ेंगे और उस पे यस धारियां लगाएंगे। इसके बाद हम जो ओवल बने हैं इनको इरेज कर देंगे। सबसे पहले हम नोज बना रहे हैं। इसके लिए इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं। ये हो गई हमारी नोज रेडी। ओह वाव। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा नोज कैसे बनाना है। इस बार टेढ़ा वेढ़ा नोज मत बनाना, गोल करके तीन गोल बना के और लकीरें खींच के फिर बनाना नोज और परफेक्ट नोज बनेगी अर्पित जी की तरह। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिप्स को कैसे ड्रॉ करें। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें 5 ओवल्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट 5 ओवल्स, या 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद जो ऊपर के हमारे दो ओवल हैं उनसे हम लाइन लेंगे लिप का मिडिल पार्ट बनाने के लिए और उससे लाइन ले जाके हम साइड वाले ओवल की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे हम लिप के सेंटर वाले पार्ट में। तो ये सर्कल को टच करते हुए जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसको सर्कल को हम टच करते हुए जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे मिडिल वाले पार्ट में और ये हमारा मिडिल पार्ट रेडी हो जाता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम बस एक हल्का सा लाइन को बेंड कराते हुए ले जाएंगे। अच्छा, बेंड कराते हुए? हाँ जी। ओके, और उसके बाद हम जो रफ एरिया है उसको इरेज कर देंगे। ओह, आसान है। इसके बाद हम आइस बनाएंगे। आइस के लिए हम एक स्फीयर ले लेंगे, एक सर्कल। सर्कल, इसको बेसिकली सर्कलों का खेल है। ये बिल्कुल सर्कलों का खेल है, इससे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम सर्कल्स लेते हैं। हमारा आर्ट जो होता है सर्कल और रेक्टेंगल पे ही डिपेंड करता है, इसलिए हम इसमें सर्कल लेंगे और उसको दो पार्टों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन लेंगे और उसको ऊपर की ओर ले जाते हुए आगे की ओर बेंड कर देंगे। इसके बाद हम आइस का नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। अब आपको ये देखना है कि हमारी पूरी आइस इस सर्कल के अंदर आ जाए। सर्कल के अंदर ही पड़ेगी, इससे बाहर नहीं। अब हम इसके बीच का आई बॉल बनाएंगे। अब इसमें हम कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे देंगे जिससे कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आए। इस
इसके बाद हम इसके बाकी का रफ एरिया रेस कर देंगे। और थोड़ा सा टचअप दे देंगे। Wow, that's beautiful. ऐसे फिनिशिंग देके हम अपनी आईज कंप्लीट करते हैं। वाओ, आईज आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच अर्पित। आप लोगों ने सीख लिया होगा कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस जो कि नोज, लिप्स और आईज बनाते हैं, और आप जरूर जरूर इस स्केचिंग को घर पे और स्कूल पे लेके बना के लेके जाना। थैंक यू सो मच अर्पित। थैंक यू सुनील, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ किड्स, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि साइंस सेगमेंट है, और मिलते हैं हम और एक फनकार व्यक्ति से। चलते हैं। हाय दोस्तों, वी बिलीव साइंस शुड बी फन, एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। हाय सौरभ। हेलो, हाउ आर यू? और आज आप साइंस सेक्शन में क्या सिखाएंगे बच्चों को? तो लेमन से किस तरह से क्लॉक चला सकते हैं। लेमन से क्लॉक? कैसे? मुझे लगा साइंस सेगमेंट में आप कुछ बीकर, टेस्ट ट्यूब, यू नो, केमिकल्स लेके आएंगे, पर लेमन से क्लॉक कैसे? देखते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से चलती है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। फॉर मेकिंग लेमन क्लॉक वी नीड टू लेमन्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमको कुछ जिंक नेल्स लगती हैं, सम कॉपर प्लेट्स लगती हैं, दिस टाइप की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट दिस जिंक नेल्स इन लेमन्स। हाँ, श्योर। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस कॉपर प्लेट्स इन टू। And then second one in this one. It's ki opposite, directly haan, opposite. Opposite, opposite. Copper plate? No, ऐसा कुछ नहीं, बस आप just put कर दें कहीं पे भी उसको, ठीक है? हाँ। और अब इसके लिए हमको कुछ clip wires चाहिए होती हैं। अच्छा, इसे clip wires बोलते हैं। इसे ये actually ये terminals का काम करती हैं। जिंक नेल एक terminal हो गया, ये एक दूसरा terminal हो गया। बैटरी में ऐसे दो terminal होते हैं। फिर अब हम कुछ ये क्लिप वायर से इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, और इस इसको ये पॉजिटिव एंड है और इसको नेगेटिव एंड से टच करेंगे। वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव? हाँ, दिस इज नेगेटिव एंड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज सेकंड क्लिप वायर। सो वी नीड टू क्लिप वायर्स और थ्री क्लिप वायर्स? वन कनेक्ट करेंगे इस बैटरी से, और नाउ सेकंड जो ये रहेंगे ये क्लॉक में जाके जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव? This one is positive and zinc nails are negative. Okay. Now we are going to put in positive and this one in negative. Okay. ठीक है? So remember friends, positive to negative. To negative. ये हमारी अब बैटरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम इसमें इस लैंप इसको क्लॉक को स्टार्ट करके दिखाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना मैं कैसे चला? जस्ट अब लुक एट दिस कि हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। Wow, that's fabulous. Look at. Wow, fabulous. Yeah. Thank you so much, Saurabh. It's my pleasure. Thank you so much. और सब बच्चे, देखा ना आपने कैसे सौरभ जी ने नींबू से विदाउट लेमन क्लॉक बनाया, कि हमें अब बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब से आप बस नींबू के साथ, नींबू से नींबू पानी ही मत पिया कीजिए, पर लेमन क्लॉक बना के दिखाइएगा अपने मम्मा पापा और टीचर्स को भी। और मैं आपको सिखाऊंगी थर्ड सेक्शन में कैसे मैगजीन रोल अप से हम वास बना सकते हैं। तो आइए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे पुराने मैगजीन से फ्लावर वास और पेन स्टैंड अट्रैक्टिव बनाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कोई भी पुरानी मैगजीन ले लीजिए और एक कलरफुल सा पेज ले लीजिए, जैसे कि इसमें है ये, और उसे हम उस पेज को निकालते हैं और इस
पेज के एजेस को काटना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में जब हम रोल करेंगे तो ये पेज के जो एजेस हैं निकल जाएंगे. सो इट्स बेटर टू कट इट, यू नो. तो इसको अलाइन करके हम सीधा काटेंगे. उसके बाद एक पेंसिल लेंगे और कोई भी मैगजीन का पीछे वाला बेस लेंगे और हम फेवी स्टिक से उसे हम रोल करते हुए और ये जो कला है, ये जो आर्ट है, क्राफ्ट है, मैंने अपने माँ से सीखी है और हम बहुत समर्स की छुट्टियों में बहुत साथ मिलके पुराने पुराने मैगजीन्स निकालते थे और ये सब रोल अप्स बना के बहुत सारे पेन स्टैंड्स और फ्लावर वास अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करते थे. और पेंसिल ज़रूर निकालना मत भूलिएगा. उसके बाद ऐसे मैंने बहुत सारे बना, मैं बना पहले से बना के लाई हूँ, ऐसे बहुत सारे बनाएंगे आप. और एक और यहाँ पे पीस है जो आई हैव ऑलरेडी मेड, पर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली कैसे बनाना है. कोई भी एक टिन कैन हो, पुरानी टिन कैन हो या प्लास्टिक कैन हो जो इज़ नॉट यूज्ड, घर में जो आप यूज़ नहीं करते, माँ यूज़ नहीं करती है या दादी यूज़ नहीं करती है, तो यू कैन जस्ट टेक दैट कैन. यू कैन सी ये जस्ट कैन, एक प्लास्टिक कैन है एंड कोई भी एक डेंड्राइट हो या फेविकॉल हो उससे आप इसमें इस पे चिपकाने के लिए ये बहुत बेटर रहेगा. लाइक ऐसे लगा दीजिए, फिर आप कोई भी कलरफुल पेपर रोल है उसको वहाँ पे प्लेस कीजिएगा. प्लेस करके बहुत ध्यान रखिएगा इसके जो एजेस है वो ठीक से लगते नहीं है, तो फेविक्विक का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा. इसको प्रेस करके यहाँ लगा लीजिए और फिर सीजर से ऐसे काट लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा प्रेशर बना के रखना है इस एंगल में, बिकॉज नहीं तो चिपकने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर हम ये एज काटते हैं, काट के देखिए ऐसे, सी कैन यू सी. तो और एक देन भी कोई भी वायर हो घर पे जो आप यूज़ नहीं करते हो उसके छोटी छोटी जस्ट 1 inch टुकड़े या 2 inch टुकड़े करके आप, जैसे मैंने इसमें लगाए हैं आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है इसके अंदर इंसर्ट करके zigzag इंसर्ट करना है सो दैट एक बेस बने, बना रहे, ऐसे करके एक बेस बना रहे. धीरे धीरे ये सब में आपने देखा मैंने कैसे इस पर वायर जो आप यूज़ नहीं करते आपके घर में पड़ा होता है उसको हम लगा लेंगे. और एक चीज़ तो आप बन गई है आपकी सुंदर सी पेन स्टैंड फ्लावर वास, एन अट्रैक्टिव फ्लावर वास. सो मेरे पास कुछ पेंसिल्स है, सो आई जस्ट पिक अप फ्यू पेंसिल्स, यू नो कलर पेंसिल्स एंड आई विल पुट इट. माई आई कैन जस्ट टेक दिस ऑल्सो, जस्ट रोल अप और अपने डेक्स में आप सजा सकते हैं. तो देखा आपने कि कितनी अट्रैक्टिव पेन स्टैंड बनी है, तो आई होप यू गाइज लाइक इट. तो आज आपने देखा कि रेनबो के इस प्रोग्राम जो कि कलर्स ऑफ आर्ट साइंस एंड क्राफ्ट है, हमारे पहले सेगमेंट में अर्पित जी ने हमें कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस जो कि आईज, नोज और लिप्स बना के दिखाया, स्केच बना के दिखाया. और सेकंड सेक्शन में जो कि सौरभ जी ने जो कि IITian हैं उन्होंने हमें दिखाया कि हम कैसे लेमन से लेमन क्लॉक बना सकते हैं और बैटरी का बचत कर सकते हैं. और मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैगजीन, ओल्ड मैगजीन से रोल अप करके एक सुंदर सा अट्रैक्टिव सा पेन स्टैंड बना सकते हैं. और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा और मिलती हूँ मैं आपको इसी टाइम इसी वक्त
और इसी शो में रेनबोज द कलर ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस. सी यू गाइज, टेक केयर.